हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की। फ्रेंड्स, आपने कुछ एक वीडियो देखे हैं जो अनीश कांजीलाल, जो कि अरुणिता के बड़े भाई हैं, उन्होंने पोस्ट किए हैं और उसमें अरुणिता एक बड़ा ही सुंदर सा गाना गा रही है। पीछे जो है वो दर्शनी बैठी हुई है और सीरियसली इतनी रिफ्रेशिंग सी आवाज़ है, इतनी अल्हड़पना आता है उस गाने में और सीरियसली गाना बहुत सुंदर तरीके से गाया है। आपने वो देखा ही होगा और अनीश ने चूँकि पोस्ट किया है और कुछ लोगों के कहने पर पोस्ट किया है कि भाई वी आर मिसिंग हर, कुछ तो कीजिए हम लोगों के लिए, कुछ तो गाना वाना सुनाइए, ज़िंदगी अधूरी हो रही है, ऐसी बात भी हो गई थी। तो ऐसे में अनीश ने पिक्चर और इनफैक्ट कुछ वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। अब इसके बाद हुआ ये है कि अब सोचने में ये आता है कि अरुणिता का नेक्स्ट जो शो है वो 11th का है और हल्द्वानी में है और कुमाऊनी द्वार फेस्टिवल में है, तो वो कब पहुंचने वाली है। मैंने अपनी प्रीवियस स्टोरी में भी एक बार आपको बताया था कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने घर वालों के साथ रहकर, भाई के साथ रहकर, शी विल बी रीचिंग टू हल्द्वानी, यानी कि उत्तराखंड पहुँचने वाली है। तो फ्रेंड्स, पवनदीप और अरुणिता एंड उनके बैंड मेंबर्स की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो सभी अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं। ओके, जहाँ हो सकता है जब तक ये खबर आप देखें तब तक वो उत्तराखंड के लिए कारवार में बैठकर आगे भी बढ़ गए होंगे। और जहाँ तक इनके बैंड मेंबर्स का सवाल है, इनकी तरफ से जो अपडेट्स आए हैं वो तो ये आए हैं कि मुंबई से पहले दे आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली से देन उनका आगे का सफ़र हल्द्वानी के लिए वो शुरू करने वाले हैं। तो ये मानकर चलिए कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो हो सकता है शाम तक ये लोग उत्तराखंड में हल्द्वानी में पहुंच भी जाए और फिर 11th का इनका शो है ही। और सच बोल रही हूँ, बड़े दिनों बाद इन दोनों को सुनना मिलेगा तो एक वो जो होती है ना, एक अधूरापन सा हो जाता है आपके दिनचर्या में, आधा अधूरा कुछ रह जाता है, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग फैक्टर अब ख़त्म होने वाला है, कुछ ही घंटों की बात है क्योंकि 11th में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हालांकि ये टाइम, एक एक घड़ी काटना ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी दिल को समझा कर रखे कि अब थोड़ी देर बाद आपको सुनने के लिए मिल जाने वाला है, तो बस दिल थाम कर रखिए। जहाँ तक बात है इनके 9th की, तो मैंने पवनदीप के पापा जी जो हैं सुरेश राजन जी, उनका पहली बार लाइव पर मैं उनको सुन रही थी। सर्टनली उनके अलग अलग वीडियोस हैं, मैंने सुने ही हैं और अच्छा लगता है क्योंकि लोक गायकी में एक बहुत अहम बात जो होती है, इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, वो उस मिट्टी की महक आनी चाहिए उस आवाज़ में। शास्त्रीय संगीत हो ना हो, लेकिन उस गीत में, उस आवाज़ में आपको उस प्रदेश की झलक मिलनी चाहिए। तो मैं जब सुन भी रही थी बरखा बहार आ गई है ये वाला गाना वो गा रहे थे, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ एक गाने गाए हैं अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर, तो वो एकदम खालिस्पना झलकता है कि हाँ वो उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, लोक गीत हैं, वहाँ से वो आवाज़ आकर आपके कान में पड़ रही है और सर्टनली सुनने में बड़ा मज़ा आता है। कभी आपने मिस कर दिया हो तो डेफिनेटली आप चले जाइए गोविंद डिग्री जी, जो उनका FB पेज है, वहाँ पर लाइव पूरा उन्होंने रिकॉर्ड करके वहीं से वो ही वॉज़ इन फैक्ट गोइंग लाइव फ्रॉम फेसबुक, तो आप वहाँ पर जाकर डेफिनेटली सुन लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है वो सॉन्ग। सो कमिंग बैक टू पवन एंड अरुणिता, ये लोग निकल चुके हैं और सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक पहुँच जाएंगे और एक्सपेक्ट तो कीजिए कि कुछ तो फोटोग्राफ्स आ जाएँ, कुछ तो मिल जाए तो पेट भर जाए हमारा, हालांकि मन नहीं भरने वाला ये बात मानकर चलिएगा। चलिए, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।